हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाईफाई स्टडी, चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। आप सभी लोगों का स्वागत है वाईफाई स्टडी में। आज के सेशन में हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट और अलग टाइप के क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि मेंस के जितने भी एग्जाम होते हैं, उन सभी एग्जाम्स में क्वेश्चन का जो टाइप होता है, कहीं ना कहीं चेंजेस देखने को मिलते हैं। पर्टिकुलरली टॉपिक वही रहेगा, लेकिन क्वेश्चन का पूछने का तरीका और लेवल जो है दोनों बढ़ जाते हैं। इस सेशन में जो भी क्वेश्चन आज आप देखेंगे वो लेवल अप क्वेश्चन होंगे और अलग तरीके के क्वेश्चन होंगे। आपको उसके पहले की सेशन को स्टार्ट करें, कुछ बातें बता दें सेशन के बारे में कि इस सेशन में आज आपको तीन चीजें, बेसिकली तीन टॉपिक एक साथ मिलेंगे, लेकिन क्वेश्चन एक जैसा ही रहेगा। जैसे सबसे पहले जो हमने क्वेश्चन चूज किया है, जिसमें इनइक्वालिटी और साथ ही साथ ब्लड रिलेशन, ये दोनों चीजें एक साथ रखी गई हैं एक सेट में। और ब्लड रिलेशन को पूछने का तरीका, कोडेड फॉर्मेट है ब्लड रिलेशन का, उसको पूछने का तरीका, वो पजल फॉर्मेट है, उसको पूछने का तरीका बिल्कुल अलग है। साथ ही साथ एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगा जो कि आपको खुद करना रहेगा और फिर डिस्कशन हम लोग करेंगे, जिसमें डायरेक्शन के साथ साथ आपका ब्लड रिलेशन है, वो भी एक पजल काइंड ऑफ क्वेश्चन है। तो उन क्वेश्चंस को भी हम लोग सॉल्व करेंगे आज के सेशन में, देखेंगे। सेशन को स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हैं आप सभी लोगों के लिए, उसके बारे में बात करेंगे। और दूसरा, आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि सेशन को पूरा जरूर देखना, क्योंकि सेशन बहुत लंबा नहीं होगा, छोटा सेशन है, लेकिन उसके बावजूद भी ये बहुत इंपॉर्टेंट और टू द पॉइंट होगा। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि जो प्राइसेस है आपके प्लस के सब्सक्रिप्शन के को लेकर, वो बढ़ने वाले हैं। कई सारे लोगों का डाउट होता है कि प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना है नहीं लेना है। मैं आप सभी लोगों से बोलूंगा, प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना मैंडेटरी है, राइट? आपको लेना ही लेना चाहिए। आपने देखा होगा कि कोई कितना भी बड़ा मास्टर हो जाए, कोई कितना भी बड़ा ज्ञानी हो जाए, लेकिन हमेशा उसके पीछे एक मेंटोर जरूर होता है, और यहां पे अनअकैडमी प्लस आपके मेंटोर के रूप में काम करेगा, राइट? आप ये कतई मत सोचिए कि आपको सब कुछ आता है, और अगर आपको सब कुछ आता है तो आप अपने पुराने एग्जाम्स के रिजल्ट को एनालाइज जरूर करें, क्योंकि आपको लगता है कि सब कुछ आता है, लेकिन कहीं ना कहीं एक मेंटोर की कमी होने की वजह से कुछ जगह पर आप लैग करते हैं, और उसी कमी को खत्म करने के लिए प्लस लेना चाहिए। आप अगर ये सोचते हैं कि पैसा ज्यादा है, या फिर पैसे की वजह से आप नहीं लेना चाहते जबकि आप फ्री पढ़ सकते, तो मैं आपको बता दूं, फ्री जो सोर्सेज है उससे आप पढ़ तो सकते हैं, लेकिन आप खुद सोच के देखिए कि आपका जो अलॉटेड टाइम है, जैसे आप जो अपनी पढ़ाई को लेकर जो टाइम देते हैं, मान लीजिए 100 मिनट्स देते हैं, जिसमें से 60 मिनट आप कंटेंट को सर्च करने और उसको वैलिडेट करने, वेरीफाई करने में लगाते हैं, फिर उसके बाद 40 मिनट जो है वो आप केवल देते हैं अपनी स्टडी को, राइट? तो जो 60% जिसमें आप ये देखते हैं कि कौन सी चीजें एग्जाम में आ रही है, कौन सी नहीं आ रही है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ये डिसीजन मेकिंग करने में आप अपनी पढ़ाई का ज्यादातर समय लगा रहे हैं। वो समय अगर आप बचा लें और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई और ले ले, तो वो समय आप पढ़ाई में ही लगा दीजिए। मीन्स की जो आपका स्टडी का टाइम है वो 100% आपका पढ़ाई पे ही जाएगा, और ये बेहद जरूरी है, इसीलिए प्लस लेना है आपको। प्लस अगर एक बार आप ले लेते हैं तो आपको इन सब चीजों से मुक्ति मिल जाएगी, क्योंकि वहां पे कोर्सेज आपको मिलेंगे, एग्जाम टू एग्जाम बैचेस आपको मिल जाते हैं, टेस्ट सीरीज मिल जाती है, प्रैक्टिस सेशंस मिल जाते हैं। इन सभी चीजों को आप केवल सब्सक्रिप्शन में, प्लस के सब्सक्रिप्शन में पा सकते हैं। प्लस का सब्सक्रिप्शन इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं कह रहा हूं कि आप ले लीजिए, मेरा फायदा है, इसलिए क्योंकि आपको वाकई में जरूरत है, ठीक है? इसलिए प्लस ले लीजिए। और मैं आपको बता दूं, आगे आने वाले जो एग्जाम्स लाइनअप है, SBI ने अपनी PO की वैकेंसी ऑलरेडी डिक्लेयर कर दी है। फरवरी मार्च तक आप एक्सपेक्ट कर लीजिए, जनवरी फरवरी मार्च, ये 3 महीने में आप एक्सपेक्ट करिए SBI क्लर्क, ठीक है? फिर उसके बाद RBI असिस्टेंट, और फिर उसके बाद RBI का ही ग्रेड बी का एग्जाम, जो ऑफिसर स्केल का एग्जाम होता है, राइट? ये एग्जाम्स आने, अब इनको अभी से टारगेट करेंगे तो ही कुछ हो पाएगा। और अभी से टारगेट करने का मतलब आपको प्लस का सब्सक्रिप्शन ले लेना चाहिए। कैसे लेना है, कितने समय का लेना है, कई बार सवाल होते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। 1 मंथ का आता है, 3 मंथ का, 6 मंथ का, 12 मंथ एंड 24 मंथ। आप सोच रहे होंगे कौन सा लेना है, तो मैं आपको बोलूं, मिनिमम 12 महीने का आपको लेना है।
आज अगर जो पैसा आप लगाएंगे जब आप बैंक में बैठे होंगे एक ऑफिसर बने हुए, तब आपको एहसास होगा कि आपका इन्वेस्टमेंट गलत नहीं था और वो डिसीजन गलत नहीं था, बिल्कुल सही डिसीजन था। ठीक है, तो 12 महीने का कम से कम आपको परचेज करना ही करना है। ठीक है, अब आप क्यों कह रहा हूं, क्योंकि वन मंथ वैसे भी देखिए प्राइस के मामले में वन मंथ का मंथली चार्ज बहुत ज्यादा पड़ता है, थ्री मंथ का उससे कंपैरिजन में ज्यादा पड़ता है, सिक्स मंथ का उससे सॉरी जो थ्री मंथ का है उसके कंपैरिजन में कम पड़ता है, सिक्स मंथ का उससे भी कम पड़ता है, 12 मंथ का उससे भी डाउन हो जाता है मंथली, और 24 मंथ सबसे डाउन पड़ता है मंथली कॉस्ट उसकी। बेस्ट डील की अगर मैं बात करूं, बेस्ट डील तो आपका 24 मंथ का ही बेस्ट डील होता है। क्यों? क्योंकि 12 महीने से 24 महीने में क्या फर्क है कि 12 महीने से 24 महीने में टाइम डबल हो रहा है जबकि प्राइस में थोड़ा सा ही डिफरेंस आ रहा है, तो इसलिए 24 मंथ लेना सबसे बढ़िया है। मैं कहूंगा कि आप 24 मंथ ले क्योंकि ये बेस्ट डील भी है। आज आपका एक साल के अंदर सिलेक्शन हो जाता है तो आप मान के चलिए कि बाकी जो समय है वो आप किसी और को हैंडओवर कर सकते हैं, ये तो बेकार जाएगा नहीं, आपके फायदे में ही रहेगा। ठीक है, 12 मंथ का लेना, मिनिमम 12 मंथ आपको लेना ही लेना है, क्योंकि इसलिए क्योंकि आपको पता है एग्जाम सिलेक्शन तक का प्रोसेस जो है वो एग्जाम से लेकर सिलेक्शन तक का प्रोसेस जो है वो एक लंबा है, प्रिपरेशन, एग्जाम, फिर उसके बाद सिलेक्शन, फाइनल सिलेक्शन होने तक बैंक में बैठने तक का समय है, लंबा समय लगता है, ऑलमोस्ट 1 ईयर का लगता है। ऐसा नहीं कर सकते कि एग्जाम देंगे और फिर इंतजार करेंगे कि भाई जब इसका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, अगर प्लेस हुआ तो आगे तैयारी करेंगे, तो नहीं करेंगे, अगर नहीं प्लेस हुआ तो तैयारी फिर से शुरू करेंगे, तो ये ऐसी कोई प्रैक्टिस करता नहीं है, इसलिए 12 महीने कम से कम आपको लेनी चाहिए। प्लस की खास बात, आपको मल्टीपल एग्जाम्स मिल जाते हैं, एक एग्जाम नहीं, कोई भी एग्जाम बैंक से रिलेटेड जो आता है सबकी तैयारी आप वहां से कर सकते हैं, मतलब एक गेट आपके सामने खुल जाता है जिसमें आप जाके कोई भी चीज चुनाव कर सकते हैं। मल्टीपल एजुकेटर्स के वीडियोस का एक्सेस आपके पास होता है, जरूरी नहीं है कि मैं पढ़ा रहा हूं तो मुझसे अलग कंटेंट आपको कहीं और नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिल सकता है, आप दूसरे एजुकेटर्स को देखेंगे, हो सकता है कुछ आपको नई चीजें मिल जाए, या किसी और एजुकेटर को देखेंगे तो नई चीजें मिल जाए। सभी सब्जेक्ट प्री से लेकर मेंस तक की प्रिपरेशन होती है, ऐसा नहीं है कि केवल प्रीलिम्स की प्रिपरेशन होती है, फाउंडेशन नहीं है, प्री करेंगे मेंस भी आपको उसी में मिल जाएगा, कुछ अलग से पे नहीं करना होता है। दूसरी बात, आपको फैकल्टी का फाउंडेशन नहीं होता है, जैसे एक बैच क्रिएट हुआ, बैच आप देखिए उसमें अगर आपकी फैकल्टी मन मुताबिक है तो आप जिनकी क्लास करना चाहते हैं उनकी क्लास करिए, नहीं तो दूसरे सब्जेक्ट की क्लास कहीं और से करिए, कहीं और से इन द सेंस कि दूसरे एजुकेटर से उसी प्लेटफॉर्म पे, आपको बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती है यहाँ पे, और अच्छी प्रिपरेशन के लिए मॉक टेस्ट आपको मिल जाते हैं, टेस्ट सीरीज मिल जाती है, डाउट सेशंस मिलते हैं, फिर उसके बाद आपकी प्रैक्टिस जो है वो लगातार चलती है, पीडीएफ मिलते हैं नोट्स के साथ, जो फैकल्टी लिखता है विद एनोटेशन आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, मींस कि जो लिखा गया है बोर्ड पे पढ़ाते वक्त उन सभी चीजों का नोट्स आपके पास हो सकता है, एक डिजिटल नोट्स आप बना सकते हैं उसका। ठीक है ना, तो ये आपको क्या करना है कि प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना है, कैसे करना है, सबसे पहले अनअकैडमी का ऐप आप सभी लोगों के मोबाइल में होना चाहिए, अगर नहीं है तो ये मान के चलिए गलत बात है, अभी तक होना चाहिए था क्योंकि इंडिया का लर्निंग जो इस प्लेटफॉर्म पे जो है इंडिया का नंबर वन है इस सेगमेंट में, तो ये लर्निंग प्लेटफॉर्म में अगर आपका नंबर वन है तो इस वजह से नंबर वन नहीं है कि जबरदस्ती या फिर मैं बोल रहा हूँ इसलिए नंबर वन है, इसलिए नंबर वन है क्योंकि वाकई में इसका जो कंटेंट है, क्वालिटी है, वो बिल्कुल जो है वो बहुत अच्छे लेवल पे हो और बहुत अच्छे तरीके से डिलीवर किया जाता है, जो प्लेटफॉर्म है वो यूजर फ्रेंडली है, बच्चों द्वारा रिकग्नाइज किया गया है, तो इसलिए और बहुत सारे सिलेक्शन भी दिए गए हैं इस प्लेटफॉर्म के जरिए, ऑनलाइन से लोगों ने सिलेक्शन लिए हैं। आज का समय जैसा आपको मालूम है कोविड चल रहा है तो बहुत मुश्किल होती है बाहर जाना और ये सारे काम करना, तो इसलिए आपको एक प्लेटफॉर्म ऐसा मिल रहा है जिसमें आप घर बैठे प्रिपरेशन कर सकते हैं, आने जाने का खर्चा सब कुछ तरीके से बच जाएगा, वो खर्चा आप लगा दीजिए इसमें प्लस में, प्लस लेने में प्लस ले लीजिए सिंपली। ठीक है ना, तो इसलिए ये बहुत अच्छा है, कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप पढ़ना है, जब भी आपका मन करे तभी आप पढ़ सकते हैं, क्लासेस चली गई, खत्म हो गई, आप नहीं देख पाए तो फिर से आप एक्सेस ले सकते हैं, फिर से उसको पढ़ सकते हैं, वो क्लासेस वहां पे रहती हैं लाइब्रेरी में, आप उसमें इनरोल कर लीजिए, किसी बैच में आप क्लासेस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता है, आप जब मन करे देख लीजिए, तत्काल देख लीजिए, लाइव देखिए या फिर बाद में भी देख सकते हैं, तो बहुत फ्लेक्सिबिलिटी भी है आपके सहूलियत के हिसाब से देखा जाए तो इसलिए लेना जरूरी है। अब आपको क्या करना है, अनअकैडमी का प्लेटफॉर्म लर्निंग वाला जो है वो आपको डाउनलोड करना है, ये ऐप आपके मोबाइल में होनी मैंडेटरी है, कुछ फ्री वीडियोस भी आप वहाँ पे देख लीजिए, आपको दिख जाएगा यूजर फ्रेंडली कितना है वो जो प्लेटफॉर्म है। फिर वहाँ पे आपको क्या करना है, बैंक सेगमेंट आप अपना चूज करेंगे, बैंक जब आप कोर्स अपना वहाँ पे पूछेगा जब आप इंस्टॉल करते हैं तो कोर्स पूछता है, बैंक आप चूज कर लेंगे, बैंक चूज करने के बाद आप सब्सक्रिप्शन पे आएंगे, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। और अच्छा हाँ, एक चीज और, मुझे बसंत त्रिपाठी नाम से मैं वहां पे मिलूंगा, उस जगह पे फॉलो कर लेना। ये क्यों कह रहा हूँ ये मैं आपको आगे बता दूंगा, ठीक है, जब मैं अपना सिलेबस वो जो है वो शेड्यूल दिखाऊंगा।
तो बसंत त्रिपाठी नाम से मुझे उस जगह पे फॉलो कर लेना। आप दूसरी चीज, फिर आपको आना है सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना है, आपके पास यही 1 मंथ 3 मंथ और सबके प्राइसेस आगे लिख दिए जाएंगे, ठीक है, आप वहां पे देख लीजिएगा। फिर ब्लॉक में एक यहाँ पे आएगा रेफरल कोड RC करके लिखा रहेगा और उसमें आपको लगाना है BT10, ये दिख रहा है ना, BT10, BT मतलब बसंत त्रिपाठी, 10 मतलब 10% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा जो भी प्राइसेस यहाँ पे लिखे रहेंगे। मान लीजिए आप 24 मंथ का लेते हैं, 24 मंथ का आप जैसे BT10 लगाएंगे, रेफरल कोड में एंटर करेंगे BT10, तो आपको 10% डाउन होके ये प्राइस दिखेगा और फिर आप पेमेंट पे जा सकते हैं। साथ ही साथ आप एक चीज और कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे ये नहीं, आपकी सहूलियत के लिए एक और चीज रखी गई है कि आप इसमें नो कॉस्ट EMI पे भी पे कर सकते हैं, मींस कि आप पेमेंट कर दीजिए और उसको EMI में कन्वर्ट कर लीजिए, जिसमें आपका कोई एक्स्ट्रा इंटरेस्ट या कोई चार्ज नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो 0% पे आप उसको EMI में सहूलियत के हिसाब से मंथली पे कर सकते हैं, ठीक। तो ये काम जरूर कर लीजिएगा, प्लस का सब्सक्रिप्शन जरूर ले लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, मेरा जो शेड्यूल है वाईफाई स्टडी बैंक एग्जाम यूट्यूब चैनल पे, वो ये है मंडे टू फ्राइडे, ठीक है ना, 6 PM लाइव वाईफाई स्टडी। अभी लाइव नहीं हो रहा है, अभी प्रीमियर हो रहा है, लेकिन जल्दी ही मीन्स मंडे से, कमिंग मंडे से ये लाइव हो जाएगा। 9 PM प्रीमियर होता है जस्ट पजल पे, मंडे टू फ्राइडे, मंडे से लेकर फ्राइडे तक जस्ट पजल पे मैं प्रीमियर करता हूँ 9 बजे, ठीक है ना, तो इसको भी देखना मत भूलना। आगे बढ़ते हैं, अब ये देखिएगा 8 PM लाइव होता है IPS क्लर्क बूस्टर अकेडमी ऐप पे। मैंने आपसे बोला था आप मुझे फॉलो कर लीजिएगा, इस जगह पे बसंत त्रिपाठी नाम से मैं मिलूंगा, सर्च कर लीजिएगा, मैं मिल जाऊंगा, ठीक है ना। तो उस जगह पे फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि रात में 8 बजे मैं कराता हूँ IPS क्लर्क बूस्टर, कंप्लीट मॉक टेस्ट होता है जिसका डिस्कशन हम लोग करते हैं। 12 बजे मेन्स मीनिया मंडे टू फ्राइडे होता है, ये भी मंडे टू फ्राइडे ही होता है, ठीक है ना। 12 बजे मेन्स मीडिया लाइव होता है मंडे टू फ्राइडे। मस्ट वॉच सेशंस मेरे कौन से हैं, सिलोजम है और इनइक्वालिटी है, ये आप देख सकते हैं, मतलब और बहुत सारे टॉपिक्स पे मैंने वीडियोस बनाए हैं। सिलोक्स का ट्रिक बताया है इसलिए यहाँ पे लिख दिया, इनइक्वालिटी का ट्रिक बताया है और फिर ब्लड रिलेशन का ट्रिक बताया है, डायरेक्शन डिस्टेंस में कैसे अप्रोच करना चाहिए उसके लिए भी ट्रिक्स बताए हैं, कोडिंग डिकोडिंग बताया है, तो वो सारे वीडियोस आप देखेंगे, आपको मजा आ जाएगा, ठीक है ना। और मेरा एक बैच आ चुका है जो कि प्लस के लिए है, 10 से 11 बजे सुबह चलता है, 21 नवंबर से ये स्टार्ट हो चुका है, बैंक प्री से लेकर बैंक मेंस तक की प्रिपरेशन में वहां पे करा रहा हूँ। तो इसलिए कर जरूर लेना, BT10 लगाना प्लस में, BT10 जिससे आपको 10% का ऑफ मिल जाएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है, इस जगह पे आप देख सकते हैं, ठीक है। आज के सेशन के बारे में बात कर लेते हैं। आज देखो दो चीजें करेंगे, एक तो आज की क्लास में हम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है और इसमें जो हम लोग करने वाले ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन डिस्टेंस, मिक्स पजल, ब्लड रिलेशन प्लस इनइक्वालिटी, मतलब ब्लड रिलेशन का एकदम नया टाइप का क्वेश्चन जिसमें इनइक्वालिटी का भी कंपैरिजन का भी इस्तेमाल किया गया है। डायरेक्शन डिस्टेंस को ब्लड रिलेशन के साथ मिक्स करके पजल बनाई गई, मींस ब्लड रिलेशन की ही पजल और डायरेक्शन की दोनों मिला के एक पजल तैयार की गई, वो मैं आपको दूंगा आपको करने के लिए। तो आज जो भी सेशन में क्वेश्चन आप देखेंगे बिल्कुल यूनिक और नए तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, तो इसलिए पूरे सेशन को देखना जरूर, आपको मजा आएगा, गारंटी है। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्या है सवाल और किस तरीके से आपको करना है। तो पहला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है और इसके लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस रखे गए, थोड़ा सा जो है वो अलग टाइप का क्वेश्चन भी देखने को लग रहा होगा आपको। डायरेक्शन दिया गया, स्टडी फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एंड आंसर द क्वेश्चन, ठीक है ना। तो कुछ क्वेश्चन इससे बिहार पे दिए जाएंगे, तो ये आपका इंस्ट्रक्शन, ये इस टाइप का क्वेश्चन आपने देखा होगा, लेकिन इस बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा नहीं, ये लेवल अप क्वेश्चन है, ये मेंस लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है, मेंस लेवल का क्वेश्चन है। और चूंकि हम लोग मेंस मीनिया कर रहे हैं, तो मेंस मीनिया में हमने अभी तक जितने भी सेशंस करे उसमें सभी में यूनिक और अलग टाइप के क्वेश्चंस कराने की कोशिश करी है, जीरो लेवल से हाई लेवल तक के। तो ये जो क्वेश्चन आपके सामने है ये हाई लेवल का क्वेश्चन, एक बढ़िया सा शानदार सा सवाल है। इस क्वेश्चन को आप देखेंगे, ये इंस्ट्रक्शन दिए गए, फिर एक इक्वेशन यहाँ पे दी गई है, ये पजल बनाएगी, इस पजल को आपको सॉल्व करना है और इसके लिए मैं आपको टाइम दूंगा। पहले तो देख लेते कैसे दिया गया, जैसे x एट द रेट y लिखा गया, तो x इज चाइल्ड ऑफ y बोला गया, x पर्सन y मींस x इज एल्डर टू y, x एंड y मींस x इज यंगर टू y, x डॉलर y मींस x इज ब्रदर ऑफ y, x स्टार y मींस x इज वाइफ ऑफ y, x हैश y मींस x इज सिस्टर इन लॉ ऑफ y, x हाइफन y मींस x इज सन इन लॉ ऑफ y, और फिर ये लिखा हुआ x और ऊपर एक सिंबल लगाया गया y, इसको कहा गया x is not sibling of y। बिल्कुल अलग तरीके का सवाल है, कोडेड फॉर्मेट ही है ब्लड रिलेशन का, बिल्कुल अलग है। और फिर एक इक्वेशन लंबी सी आपको दे दी गई है, इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है और इसी के बिहाफ पे 5 क्वेश्चंस आपके सामने होंगे, उन क्वेश्चंस को आपको बताना है, उसका आंसर आपको बताना है। तो पहले तो मैं 1.5 मिनट का टाइम आपको दूंगा इस क्वेश्चन के लिए, और मैं अपनी क्लॉक के हिसाब से आपको 1.5 मिनट का टाइम अलॉट करता हूं।
वन एंड हाफ मिनट का टाइम आपका स्टार्ट हो गया है अभी, ठीक। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 1.5 मिनट में आप इस क्वेश्चन को बना जरूर लेंगे, और फिर इसके बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चन को अगर नहीं बनता है तो मैं यहां पर हूं, मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा आपके सामने कि कैसे ये क्वेश्चन बनाया जा सकता है। हाँ, एक और इन्फॉर्मेशन है कि जल्दी ही एसएससी एस्पिरेंट्स के लिए भी मैं क्लास जो है वो लेके आ रहा हूँ। अभी तो फिलहाल के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस रखूंगा, और फिर उसके बाद मैं क्लासेस को जो है वो धीरे धीरे फिर करके, मतलब फ्री वाली क्लासेस को करते रहेंगे, साथ में प्लस के लिए भी उसके साथ बैच लेके आएंगे, ठीक है ना। देखिए समय खत्म होने वाला है और फिर हम लोग इसको बना के देखेंगे कैसे बनता है। x at the rate y means x is child of y, x percent y means x is elder to y, x and y, x is younger to y, ठीक है। अब यहाँ पे एक इक्वेशन जो दी गई है, इस इक्वेशन को पहले हम लोग बना लेते हैं। देखिए लिखा हुआ x star f, तो स्टार का मतलब पहले हम लोगों को देना है यहाँ पे, ठीक। क्या लिखा हुआ x star f, x is wife of y, तो x स्टार f है, इसका मतलब x किसकी वाइफ हो गई, फीमेल हो गई, और ये किसकी वाइफ है, y। यहीं पे मैं आपको कुछ रिलेशंस को रिप्रेजेंटेशन बता दे रहा हूं। हस्बैंड वाइफ के लिए ऐसे सिंबल का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, कई बार लोग इसके लिए पैरेलल ऐसे सिंबल इस्तेमाल करते हैं। ब्रदर सिस्टर के लिए सिंगल लाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं, और सन और डॉटर या मदर फादर के लिए वर्टिकल लाइन, ऐसे ऊपर से नीचे, क्यों, क्योंकि ये जनरेशन गैप को रिप्रेजेंट करता है। तो ये ब्रदर सिस्टर, सॉरी सन और डॉटर, या फिर मदर ऑब्लिक फादर के लिए रिप्रेजेंटेशन होता है, ये होता है ब्रदर सिस्टर के लिए, ये होता है हस्बैंड और वाइफ का रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। आप देख सकते हो हस्बैंड वाइफ सेम जनरेशन में आते हैं तो ऐसी लाइन रखते हैं, ब्रदर सिस्टर सेम जनरेशन के होते हैं तो ऐसी लाइन रखते हैं। चूंकि मदर फादर या फिर सन और डॉटर में क्या होता है, जनरेशन का गैप क्रिएट हो जाता है, एक जनरेशन ऊपर या एक जनरेशन नीचे जाता है, तो इसलिए वर्टिकल लाइन आप इसमें ड्रॉ करें, ठीक है। तो इसीलिए इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन होता है। चलिए चलते हैं, x स्टार f मतलब x इज वाइफ ऑफ f, ये y लिख दिया मैंने, सॉरी, हाँ x इज वाइफ ऑफ f, ठीक। फिर लिखा हुआ, अब x f की वाइफ है तो f का भी जेंडर क्लियर हो जाएगा, f क्या हो जाएगा, मेल हो जाएगा। फिर कह रहा है f डॉलर d, इसका क्या मतलब होता है, डॉलर का मतलब यहां पे है x इज ब्रदर ऑफ y, मींस पहला एलिमेंट भाई होगा दूसरे एलिमेंट का, तो f डॉलर d का मतलब f इज ब्रदर ऑफ d, तो f किसका भाई है, d का भाई, तो ऐसी लाइन बना के d यहां पे लिख दी। अब बताइए क्या d का जेंडर क्लियर है, नहीं क्लियर है। आगे देखते हैं d एंड q, एंड का मतलब क्या होता है, यहां पे लिखा हुआ यंगर, अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करें, d यंगर है किससे, d यंगर किससे है, q से। अब ये रिलेशन नहीं, ये कंपैरिजन को रिप्रेजेंट करता है, तो D is younger than Q, तो आप इस तरीके से बनाएंगे, राइट right? इसको अलग लिख लेते हैं, बाद में हम लोग रिप्रेजेंट कर देंगे यहां पे। आगे देखते हैं Q डॉलर F का क्या मतलब हुआ, डॉलर का मतलब होता है Q is brother of F, Q किसका भाई है, F का भाई है, तो F का भाई है, F और D सिबलिंग है, तो इसका मतलब वो किसका भाई हो जाएगा, D का भी भाई हो जाएगा, तो Q यहां पे आएगा, ठीक। अब देखो D is less than Q मतलब वो यंगर है डी क्यू से, तो हमने ये सिंबल यहां पे ड्रॉ कर लिया, राइट। आगे बढ़ते अब अगले इक्वेशन पे आते हैं, यहां पे लिखा हुआ क्यू डॉलर एफ, ठीक है, ई एट द रेट एक्स लिखा हुआ है, ई एट द रेट एक्स का मतलब हुआ ई इज चाइल्ड ऑफ एक्स, ठीक,
ई किसका चाइल्ड हो गया, एक्स का चाइल्ड हो गया, तो चाइल्ड मतलब एक जनरेशन गैप, तो ई को हम यहां पे। अब ई मेल होगा या फीमेल होगा, चूंकि चाइल्ड ऐसा रिप्रेजेंटेशन है रिलेशन का जिसमें जेंडर क्लियर नहीं होता है। फिर लिखा हुआ एफ परसेंट डी, एफ परसेंट डी वो क्या रिप्रेजेंट करता है, एफ इज एल्डर टू डी, मतलब एफ बड़ा है किससे, डी से, तो यहां पे साइन ऐसा बना लीजिए, करेक्ट। आगे देखो डी स्टार सी, स्टार का मतलब क्या होता है वाइफ, डी किसकी वाइफ है, सी की, तो डी वाइफ है, इट मींस डी क्या हो गया, फीमेल हो गया। अच्छा यहां पे देखो क्यू का जेंडर क्या क्लियर होगा, क्यू डॉलर एफ से हमने बनाया था, और डॉलर का मतलब क्या है, क्यू इज ब्रदर ऑफ एफ, तो क्यू मेल हो जाएगा, इसको भी हम लोग यहां पे ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। फिर देखो डी स्टार सी हमने बना लिया, डी किसका है, क्या लिखा, डी इज वाइफ ऑफ सी, डी फीमेल हो गई, और किसकी वाइफ है, सी की वाइफ है, तो हम एक काम करते हैं इसका जो रिलेशन है ऊपर की तरफ थोड़ा यहां पे ऐसे बनाते हैं, हस्बैंड वाइफ को रिप्रेजेंट ऐसे कर देते हैं, डी इज वाइफ ऑफ सी, और सी क्या हो जाएगा ऐसे में, मेल हो जाएगा, राइट। फिर लिखा हुआ है सी और ये सिंबल बी, इसका मतलब क्या होता है, सी इज सन ऑफ बी, सी किसका सन हो गया, बी का, तो यहां पे हमने बना दिया बी का। अब बी जेंडर, बी का जेंडर जो है वो क्लियर अभी तक हमें नहीं हो रहा है। आगे देखो डब्ल्यू हैश डी का क्या मतलब हुआ, हैश का मतलब होता है डब्ल्यू इज सिस्टर इन लॉ ऑफ डी, यही तो हुआ, करेक्ट। तो डब्ल्यू इज सिस्टर इन लॉ ऑफ डी, अब डी कहां है, यहां पे, डी की सिस्टर इन लॉ मतलब क्या हुआ, डी की सिस्टर इन लॉ का मतलब क्या हुआ, डी का जो पति है उसकी बहन हो जाए डब्ल्यू, तो डब्ल्यू जो है वो सिस्टर इन लॉ हो जाएगी। एक और हो सकता है, डी का जो भाई है ना उसकी पत्नी की बहन हो जाए डब्ल्यू, तो भी वो सिस्टर इन लॉ बनाएगा, तो यहां पे भी डब्ल्यू आ सकता है, और इस जगह पे भी डब्ल्यू, यहां पे भी रखा जा सकता है डब्ल्यू को, यहां पे भी रखा जा सकता है, ठीक है। ऐसा हमने रिप्रेजेंट कर लिया, लेकिन यहां पे सर्कल करके रख लेते हैं, और आपको पता है डब्ल्यू क्या है, फीमेल है, बिकॉज वो सिस्टर इन लॉ है। अब आगे इसको कैरी करके लेके चलते हैं। फिर लिखा हुआ ए स्टार के, स्टार का मतलब क्या होता है, ए इज वाइफ ऑफ के, ए किसकी वाइफ है, के की वाइफ, अभी हमने ए को बनाया नहीं है, तो ए इज वाइफ ऑफ के, ए का कहीं इस्तेमाल नहीं है, ऐसे बना लिया, तो के क्या हो जाएगा, मेल हो जाएगा, और इसको अलग जगह पे हमने लिख लिया, ठीक है। फिर के एट द रेट डब्ल्यू का क्या मतलब हुआ, यहां पे देखो एट द रेट का मतलब क्या है, के इज चाइल्ड ऑफ डब्ल्यू, के किसका चाइल्ड है, डब्ल्यू का चाइल्ड है, तो डब्ल्यू का एक चाइल्ड भी है के, तो हमने यहां पे बनाना है के, और इस जगह पे भी हमने बना देना है के, ठीक है ना। आप दो जगह पे डब्ल्यू रखने की पॉसिबिलिटी, आप के की शादी किससे हुई है, के मेल है, यहां पे हमने बनाया था ये, और के मैरिड किससे है, ए से मैरिड है, तो ए को हम यहां पे बना सकते हैं, और ए को रख देंगे फीमेल, इस जगह पे भी के की शादी हम करा सकते हैं ए से, और ए को हम क्या रख देंगे, ये फीमेल, और के को क्या रख देंगे, मेल रख देंगे, यही तो होगा, क्यों, क्योंकि यहां पे देखो ए स्टार के का मतलब हुआ ए इज वाइफ ऑफ के, ए वाइफ हो गई तो के क्या हो गया, हस्बैंड हो जाएगा, राइट। आगे बढ़ते के एट द रेट डब्ल्यू का क्या मतलब होता है, के इज चाइल्ड ऑफ डब्ल्यू, वो हमने बना दिया। आगे देखो सी और ये सिंबल डब्ल्यू, इसका मतलब क्या है, सी इज नॉट सिबलिंग ऑफ डब्ल्यू, सी किसका सिबलिंग नहीं है, डब्ल्यू का सिबलिंग नहीं है, ठीक। सी इज नॉट द सिबलिंग ऑफ डब्ल्यू, इसका मतलब क्या हुआ, सी जो है वो डब्ल्यू का भाई नहीं है या बहन नहीं है, ठीक, तो इसका मतलब डब्ल्यू यहां से कैंसिल आउट आपका, और फिर वो ओके कहां पे हो जाएगा, इसी के साथ हो जाएगा, क्यों, क्योंकि देखो यहां पे सी और ये सिंबल लगाया गया और डब्ल्यू लिखा गया, सिंबल का मतलब क्या है, यहां पे लिखा हुआ है, जैसे एक्स और ये सिंबल इस्तेमाल करके वाई लिखा गया, तो एक्स इज नॉट द सिबलिंग ऑफ वाई, तो सी इज नॉट द सिबलिंग ऑफ डब्ल्यू, सी डब्ल्यू का सिबलिंग नहीं है, तो यहां पे नहीं रखना है, इसका मतलब हमें यहां पर रखना है, करेक्ट, ये इस तरीके से बना लेंगे। अब आते हैं क्वेश्चंस पे, ठीक है। पहला वाला सवाल आपके सामने है, इफ द एज ऑफ एफ इज 45 एंड एज ऑफ क्यू इज 40, एफ का एज 45, ठीक, एफ की एज 45 और क्यू की एज कितनी बोली गई, एंड द एज ऑफ क्यू इज 40 ईयर्स, क्यू की एज 40 ईयर्स रखती जाए, तो आपको बताना है डी का एज क्या हो सकता है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए, ठीक, ओके। चलो देखो यहां पे क्या है, अभी भाई आपको बताना क्या है कि डी का एज क्या हो सकता है, तो आपको पता है डी का एज 45 से भी कम होना चाहिए, और दूसरा 45 से कम तो बहुत सारे ऑप्शन बन सकते हैं, लेकिन आपको पता है 40 से भी कम, क्योंकि क्यू यहां पे ज्यादा बड़ा है, देखो यहां पे लिखा गया था डी इज यंगर देन क्यू,
ठीक है, तो डी छोटा है किससे, क्यू से, डी की सॉरी क्यू की एज कितनी है 40 है, तो डी की एज 40 से कम होनी चाहिए और 45 से भी कम होनी चाहिए। अब 40 से कम हो जाएगी तो 45 से कम तो हो ही जाएगी क्योंकि एफ से कम भी होना चाहिए। तो अब इसका मतलब एक ही ऑप्शन आपके पास बचता है विच इज गिवन इन फोर्थ ऑप्शन, दैट इज 39 राइट आंसर, इसको मार्क करेंगे फोर्थ ऑप्शन को मार्क। अगले सवाल को देखते हैं, इफ जी एट द रेट डी, जी एट द रेट का मतलब क्या होता है, इफ जी इज चाइल्ड ऑफ डी देन हाउ इज एक्स रिलेटेड टू जी, एक्स जी से कैसे संबंधित है, जी किसका चाइल्ड हो जाए, डी का चाइल्ड हो जाए, आप डी का एक चाइल्ड आप बना दो जी, ठीक, तो हाउ इज एक्स रिलेटेड टू जी, एक्स जी से कैसे संबंधित होगा, तो जी एक्स यहां पर है, अब देखो जी की मम्मी डी हो जाएंगी और इनकी मम्मी के भाई मामा हो गए, है ना, और मामा की पत्नी कौन हो गई, मामी, तो ये मामी हो गई, तो ये क्या हो जाएगा, भांजा या भांजी, करेक्ट, डिपेंड करता है। अब ये एक्स क्या होगा, मामी हो जाएंगे, तो हाउस एक्स रिलेटेड टू जी, तो मामी मतलब आंट होता है, तो राइट आंसर किसको मार्क करेंगे, फोर्थ ऑप्शन को मार्क करेंगे। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं अगला वाला सवाल आप लोग इसका आंसर कर देंगे। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ सी रिलेटेड टू एफ, सी एफ से कैसे संबंधित है, हाउ इज सी रिलेटेड टू एफ, आप चलते हैं, आप लोगों ने आंसर कर दिया, वेरी गुड, चलो नेक्स्ट। अब इस क्वेश्चन को हम लोग जरा यहां पे देख लेते हैं, जहां हम लोगों ने बनाया था, किसका पूछा गया, हाउ सी रिलेटेड टू एफ, सी एफ से कैसे संबंधित है, अभी सी अपना कहां पे है, इस जगह पे, और एफ कहां पे, यहां पे। अब आपको पता है एफ की बहन कौन है, डी, और बहन का पति है कौन, सी, तो बहन के पति को क्या बोलते हैं, ब्रदर इन लॉ, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी इज ब्रदर इन लॉ ऑफ एफ, इनफैक्ट एफ भी ब्रदर इन लॉ ही बनेगा सी का, ठीक है ना, तो यहां पे क्या आंसर होना चाहिए हमारा, ब्रदर इन लॉ, राइट आंसर किसको मार्क करेंगे, ऑप्शन वन को मार्क करेंगे। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज डिपिक्टिंग करेक्ट रिलेशन, इनमें से कौन सा है जो सही रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है, डी स्टार एफ का मतलब होता है, स्टार का मतलब डी इज वाइफ ऑफ एफ, ठीक, चलो देख लेते हैं, डी एफ की वाइफ है ना, डी तो सिस्टर हो गई एफ की, अगले वाले को देख लेते हैं, के एट द रेट बी का मतलब क्या हुआ, एट द रेट का मतलब होता है के इज चाइल्ड ऑफ बी, के किसका चाइल्ड है, बी का चाइल्ड है, देख लो यहाँ पे, के क्या बी का चाइल्ड है, नहीं, वो तो डब्ल्यू का चाइल्ड दिख रहा है, बी यहाँ पे ऊपर कहीं दिख रहा है, ठीक है ना, दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं, तो ये भी गलत हो गया, अगला वाला भी, फिर अगले ऑप्शन पे चलते हैं, ये दोनों पहले दोनों गलत हो गए, डब्ल्यू स्टार एफ मीन्स डब्ल्यू इज वाइफ ऑफ एफ, डब्ल्यू किसकी वाइफ है, एफ की, अब देख लो डब्ल्यू यहाँ पे फीमेल तो है पर वो एफ की वाइफ नहीं है, क्यों, क्योंकि एफ की वाइफ कौन है, एक्स है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। अगला देखते हैं, Q एट द रेट बी, क्यू एट द रेट का मतलब क्या होता है, क्यू इज चाइल्ड ऑफ बी, क्यू किसका चाइल्ड है, बी का चाइल्ड है, अभी देखो क्यू जो है वो बी का चाइल्ड होगा, ऐसा क्या कह सकते हैं, देखो बी के लड़के की पत्नी डी है और लड़के की पत्नी का भाई है ये, तो चाइल्ड तो नहीं हुआ, तो ये वाला भी क्या हो गया, गलत हो गया, तो ये ऑल आर करेक्ट नहीं, नन इज करेक्ट होना चाहिए यहाँ पे, राइट आंसर फिफ्थ ऑप्शन को मार्क करेंगे, करेक्ट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अब ये वाला सवाल आपके सामने है, इस क्वेश्चन को आपको देखना है, ये मैं क्वेश्चन जो लेके आया हूँ ये आपको होमवर्क के रूप में, लेकिन मैं आपको यहाँ पे कुछ गाइडेंस आपको दे दूंगा और मैं आपको बता दूंगा ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है मेंस के हिसाब से, ठीक है, जैसे पिछला क्वेश्चन था वैसा ये भी है, देयर आर सेवन फैमिली मेंबर्स एक्स वाई जेड, एक्स एक्स वाई जेड वाई एक्स डब्ल्यू ए बी एंड सी स्टैंडिंग इन अ ग्राउंड which are their two married couple, Z is sister of W who is married to grandson of A, maternal grandfather of W is standing 3 meter to the right of W who is facing north, the father of C has two maternal grandchildren, X is facing north, X is standing 4 meter south of maternal grandson of Y, C is 2 meter right of X, Z is 1 meter south of C and 1 meter west of Y, B is sister-in-law of X and is standing 9 meter to the north of her mother. X is father of Z. Y is a female. अब ये क्वेश्चन आपको बनाना है, ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, कल की जब अगला सेशन होगा तो उस वाले सेशन में इसका डिस्कशन हम लोग करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल के लिए इससे रिलेटेड तीन क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के रूप में ही है, एक बार खुद देखिए अब इसको सॉल्व करिए, मैं आपको बता दे रहा हूँ अलग टाइप का क्वेश्चन है, फिर से ध्यान रखना और चीजें मिक्स होके जैसा कि एग्जाम में आ रही है दो दो टॉपिक्स को मिक्स करके, अभी आप लोगों ने देखा होगा सेटिंग अरेंजमेंट जो अनसर्टेन नंबर वाला करते हैं वो रैंकिंग और सेटिंग मिक्स है बेसिकली, आपको बताया जाता है इनके इनके बीच में 10 लोग हैं,
अब कौन वो 10 लोग हैं ये नहीं मालूम होता है, ठीक है, इनके बीच में 5 लोग हैं, तो वो रैंकिंग और सेटिंग का रिलेटेड होता है। और फिर फाइनली पूछ लेता है रो में कितने लोग हैं टोटल, ठीक है ना। तो ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं आजकल, तो ये क्वेश्चन बहुत चांसेस है कि आपके मेंस के हिसाब से बन जाए आगे आने वाले एग्जाम्स में। तो ये दोनों देख लीजिएगा, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 क्वेश्चन इससे रिलेटेड है, ये तीनों क्वेश्चन आप लोगों ने करने हैं, ठीक है ना। और फिर कल की डेट में जो सेशन होगा उसमें मैं इसका डिस्कशन लगाऊंगा, ठीक है। BT10 मेरा रेफरल कोड है, प्लस का सब्सक्रिप्शन लेने पर आपको 10% का यहाँ पे ऑफ मिल जाएगा, कोई भी प्लस का सब्सक्रिप्शन आप लेते हैं। यूट्यूब पे 6 PM लाइव वाईफाई स्टडी बैंक एग्जाम मंडे टू फ्राइडे, 9 PM जस्ट पजल प्रीमियर होता है मंडे टू फ्राइडे, और ध्यान रखना 8 PM IPS क्लर्क बूस्टर अनअकैडमी ऐप का मेरा शेड्यूल, 12 बजे मेंस मीनिया करते हैं मंडे टू फ्राइडे, और अनअकैडमी पे कुछ और सेशंस पड़े हुए लाइक सिलॉक्स एंड इनइक्वालिटी, और कुछ बैच मेरा 10 से 11 का है, वो बैचेस जरूर देख लेना आप लोग, ठीक है ना। बसंत त्रिपाठी नाम से मैं यहाँ पे मिलता हूँ, मुझे फॉलो जरूर कर लेना। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप सभी लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो कुछ नई चीजें मैं बता पाया हूँ सिखा पाया हूँ, तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और लोगों के बीच में शेयर कर दीजिएगा। जो लास्ट का क्वेश्चन दिया है उसका स्क्रीनशॉट लेके लोगों को शेयर कर सकते हैं, या वीडियो को ही डायरेक्टली शेयर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करेंगे चैनल तो जितने भी बेल जो और बेल आइकन प्रेस कर देंगे तो जितने भी वीडियोस होते हैं इस प्लेटफॉर्म पे वो सारे के सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक टाइम पर पहुंच जाएंगे, ताकि कोई भी क्लास आपकी मिस ना हो। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, ऑल द बेस्ट, बाय बाय एंड टेक केयर। बहुत जल्दी मिलते हैं, कल फिर से वापस इसी समय आपको मिलेंगे, थैंक यू, बाय बाय।